हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैब को। फर्स्ट वर्ड है एबेंडन। ये जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू लीव ए प्लेस, थिंग और पर्सन यूजुअली फॉर इवर, यानी किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देना, उसे ही एबेंडन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स क्रीमेटोरिया। ये जो है नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न। ठीक है, वो बिल्डिंग जहाँ पे डेड पीपल का जो है बॉडी को जलाया जाता है, उसे ही क्रीमेटोरिया कहते हैं। हिंदी में इसे बोलेंगे शवदाह गृह। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसमिसिबिलिटी। वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द फैक्ट ऑफ ए डिजीज ETC बीइंग एबल टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन और एनिमल टू अनदर, यानी कि किसी बीमारी आदि का तथ्य एक व्यक्ति या जानवर से दूसरे में पारित होने में सक्षम होना, उसे ही ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स म्यूटेशन। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द वे इन विच जीन्स चेंज एंड प्रोड्यूस परमानेंट डिफरेंसेस, यानी कि इसका मीनिंग होगा परिवर्तन। नेक्स्ट मीनिंग है सर्ज। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, यानी कि अचानक और बड़ी वृद्धि, उसे ही सर्ज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रैंप अप। ये जो है फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है टू इंक्रीज द स्पीड, पावर और कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की गति, शक्ति या लागत बढ़ाने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसे ही रैंप अप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होमोलोगस। वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है सिमिलर इन पोजीशन स्ट्रक्चर ETC टू समथिंग इल्स, यानी स्थिति संरचना आदि में दूसरे के समान या फिर समजातीय, उसे ही होमोलोगस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ऑडासियस। वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है विलिंग टू टेक रिस्क और डू समथिंग शॉकिंग, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता होना और साथ में है कुछ वैसा शॉकिंग करना। हिंदी मीनिंग है खतरा उठाने या अस्तब्धकारी कार्य करने को तैयार। निर्भीक या फिर निडर, उसे ही ऑडेसियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सेक्टेरियन। वर्ड के लास्ट में IAN है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है कनेक्टेड विद द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप, यानी कि सांप्रदायिक, पंथिक, विभिन्न धार्मिक वर्गों की विभिन्नताओं से संबंधित, उसे ही सेक्टेरियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स मिडिल ग्राउंड। ये जो है नाउन के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है पोजिशन बिटवीन टू अपोजिट ओपिनियंस इन एन आर्गूमेंट और बिटवीन टू डिस्क्रिप्शंस, यानी एक तर्क में या दो विवरणों के बीच, दो विपरीत विचारों के बीच की स्थिति, उसे मिडिल ग्राउंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेटस को। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स स्पेशली रिगार्डिंग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, यानी मौजूदा स्थिति विशेष रूप से सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों के संबंध में, उसे ही स्टेटस को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकलिज्म। वर्ड क्लास्ट में ISM लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द बिलीफ दैट देयर शुड बी ग्रेट और एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज, यानी कि यह विश्वास कि महान या चरम सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, उसे ही रेडिकलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इटरेशन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन यूजुअली टू इम्प्रूव इट और वन ऑफ द टाइम्स यू डू इट, यानी बार बार कुछ करने की प्रक्रिया, आमतौर पर इसे सुधारने के लिए या एक बार जब आप इसे करते हैं, उसे ही इटरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिनुअस। वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है वेरी वीक और अनसर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बहुत कमजोर या फिर अनिश्चित। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड बियर आउट समथिंग या समवन। ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग और टू सपोर्ट समवन स्टेटमेंट और क्लेम, किसी बात की सच्चाई का समर्थन करना या किसी के कथन या दावे का समर्थन करना, उसे ही कहते हैं बियर आउट समथिंग या समवन। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेगेमोनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हेजमोनी। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है स्पेशली ऑफ कंट्रीज द पोजीशन ऑफ बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंड देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स, यानी विशेष रूप से देशों की सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली होने की स्थिति और इसलिए दूसरों को नियंत्रित करने में सक्षम होना, उसे ही हेजमोनी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब का क्लास था। ये क्लास आज थोड़ी लेट से हुई है। फ्रेंड्स बट ये क्लास रेगुलर है तो लेट से भी होगी लेकिन होगी जरूर। फ्रेंड्स तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। फ्रेंड्स थैंक यू एवरीवन।